आपका स्वागत है। शांति समिति की बैठक में दिए गए कई दिशा निर्देश। छठ पूजा को लेकर विक्रमगंज थाना परिसर में रविवार को शांति समिति की बैठक भूमि सुधार उप समाहर्ता मधुसूदन प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में LRDC मधुसूदन प्रसाद, STPO शशिभूषण सिंह, VDO अजय कुमार, कार्यपालक पदाधिकारी सूर्यानंद सिंह, थानाध्यक्ष मनोज कुमार, नगर परिषद के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि व प्रखंड के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में LRDC ने छठ व्रत शांतिपूर्ण वातावरण एवं भाईचारा पूर्वक मनाए जाने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। घाटों पर साफ सफाई को लेकर बैठक में चर्चा की गई। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि सभी घाटों पर युद्ध स्तर पर साफ सफाई का कार्य चल रहा है। नदी में जहाँ पानी अधिक है उस स्थान को चिन्हित किया जा रहा है। पानी की अधिक गहराई वाले स्थल को बांस बल्लियों से घेराबंदी करते हुए लाल झंडा लगाकर चिन्हित किया जा रहा है। बैठक के दौरान सभी जनप्रतिनिधियों ने छठ महापर्व को मनाने को लेकर अपनी अपनी मुख्य बातें अधिकारियों के समक्ष रखी। मौके पर पूर्व उपसभापति गुप्तेश्वर प्रसाद, मुन्ना सिंह, मुरौना पंचायत के मुखिया, मानपुर पंचायत के मुखिया, भाजपा जिला प्रवक्ता नवीन चंद्र साह, मोहिनी पंचायत मुखिया के प्रतिनिधि रामचंद्र नट, पुलिस अधिकारी कुसुम कुमार केशरी, मोहम्मद कमाल अंसारी, संजीव कुमार, अजय कुमार यादव, राधेश्याम कुमार व अन्य पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। शांति समिति की बैठक का आयोजन विक्रमगंज थाना परिसर में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पूजा समिति के लोगों के द्वारा छठ शांतिपूर्वक और व्यवस्थित ढंग से मनाने के लिए क्या क्या तैयारियाँ की गई, प्रशासन से उनकी क्या अपेक्षाएँ हैं, प्रशासन को क्या करना है, इन्हीं सब बातों पर विचार विमर्श किया गया। तो सारी बात कर ली गई है और सब व्यवस्थित ढंग से कर दिया जाएगा, यही कोई समस्या।